हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आप देख रहे हैं लर्न कोड विद दुर्गेश यूट्यूब चैनल। और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम लोग जावा एडवांस को यूज़ करके, सर्वलेट और जेएसपी को यूज़ करके प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे। और प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस को क्रिएट कर लिया, ऑलमोस्ट 14 वीडियोस तो प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लिया। तो ये वाली जो वीडियो है वो हमारे प्रोजेक्ट की नेक्स्ट वीडियो है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया है और फिर आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कुछ रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने अभी तक नहीं की थी, जो ज़रूरी चीज़ें थी वो करते हैं। जैसे मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन है और हम अगर अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। तो वेट करते हैं, मेरा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, आप लोग का फास्ट होगा तो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वेट करते हैं। तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो गया गूगल क्रोम ब्राउजर की हेल्प से, प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक यूज़र से लॉग इन करूँगा। तो मैं लॉग इन पे बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक यूज़र से लॉग इन कर लूँगा। तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ सिंपली। तो यहाँ देखिए लॉगिन हो गया। तो हम लोगों ने डू पोस्ट पिछले वीडियो में कंप्लीट किया था। जब आप डू पोस्ट ओपन कर रहे थे तो यहाँ पे एक फॉर्म दिख रहा था, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे एक फॉर्म दिख रहा था। फॉर्म में सेलेक्ट कैटेगरीज वाली फील्ड थी, टाइटल था, फिर कंटेंट था, उसके बाद प्रोग्राम था। ये सारी चीज़ें जब हम लोग यहाँ पिक वगैरह ये सब सेलेक्ट करके जब हम लोग पोस्ट कर रहे थे तो डेटाबेस में चीज़ें सबमिट हो जा रही थी। तो हम लोग को सबसे पहले इस वीडियो में क्या करना है, पोस्ट जब कंप्लीट सक्सेसफुली पोस्ट डन हो जाए, सेव हो जाए, उसके बाद मुझे यहाँ एक मैसेज देना है कि सक्सेसफुली सबमिटेड या सेव्ड या पोस्टेड, ऐसे करके एक मैसेज देना है। और अगर एरर आता है तो कुछ लिखना है, समथिंग वेंट रॉन्ग, ट्राई अगेन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैसेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे मान लो मैं एक पोस्ट करता हूँ, तो मैं सेलेक्ट कैटेगरी पे पाइथन प्रोग्रामिंग करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा व्हाट इज द यूज ऑफ मैप फंक्शन। ठीक है, और कंटेंट में कुछ डाल दूंगा, इट्स जस्ट अ क्वेश्चन, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। ठीक है, और कोड कुछ नहीं है तो कोड में मैं नो लिख दूंगा। उसके बाद पिक सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे कोई एक फोटो सेलेक्ट कर लूंगा अपने उस पोस्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर पोस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया, यू हैव क्लिक्ड ऑन सबमिट बटन। ये मैंने जावास्क्रिप्ट से प्रिंट किया था, फिर ये सर्वर से प्रिंट हो रहा है, और ये जो पिक का नाम है ये भी सर्वर से प्रिंट हो रहा है, और डन भी सर्वर से प्रिंट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे अपना डेटाबेस ओपन करके दिखाऊं तो ये चीजें सेव हो गई हैं और फाइल भी हमारे एक फोल्डर में सेव हो गई है। तो हम लोग को करना है क्या है, बेसिकली यूजर ये चीज, ये कंसोल तो देखेगा नहीं, यूजर को तो ये वाली स्क्रीन दिखेगी। तो यूजर को कैसे पता चलेगा कि ये पोस्ट सेव हो गया है या इसका पोस्ट डन हो चुका है, ये काम करने जा रहे हैं हम लोग। तो बेसिकली हम लोग को एक मैसेज देना है, सक्सेस मैसेज। तो मैसेज अच्छे से दिखाने के लिए मैं एक प्लगइन यूज करूंगा जिसका नाम है स्वीट अलर्ट। तो आप गूगल ओपन कर लोगे और गूगल पे टाइप करोगे स्वीट अलर्ट CDN। तो हम लिखेंगे स्वीट अलर्ट CDN। ठीक है, CDN, और जो पहले लिंक ओपन होगी उसको मैं क्लिक करके ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो ये स्वीट अलर्ट की CDN है, इस CDN को मैं कॉपी कर लूंगा। ये जावास्क्रिप्ट की एक फाइल है, तो यहाँ कॉपी बटन दिख रही है, सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए, ये कॉपी हो जाएगी। उसके बाद आप देखिए स्वीट अलर्ट, अगर उसका डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो स्वीट अलर्ट js.org ओपन कर लीजिए, ये उसका डॉक्यूमेंटेशन है। कुछ ऐसे आप इसको यूज कर पाओगे, ठीक है, ऐसे आप इसको यूज कर पाओगे। तो CDN हम लोग आते हैं और अपने पेज पे लगाते हैं। तो हम लोग अपना प्रोफाइल पेज ओपन करेंगे भाई, टेक ब्लॉक के अंदर जाएंगे, वेब पेजेस के अंदर जाएंगे और यहाँ पे profile.js JSP पेज को ओपन कर लेंगे। ओपन कर लिया भाई, और नीचे आ जाएंगे जहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे जावास्क्रिप्ट, देखिए तो हम लोग लगा देते हैं अपने जावास्क्रिप्ट के ऊपर लगा देते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे और इसमें SRC लिखेंगे, SRC वाले टैग में जो लिंक कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देंगे और फिर बंद कर देंगे स्क्रिप्ट टैग को, बंद कर देंगे स्क्रिप्ट टैग को, परफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग मैसेज देते हैं। तो हम लोग नीचे आएंगे और मैसेज देने के लिए सिंपली आप एक सिंटेक्स को यूज़ करोगे यहाँ पे, जैसे ये हेलो वर्ल्ड की तरह मैसेज दे सकते हो या आप सक्सेस मैसेज दे सकते हो कुछ इस तरह। ठीक है, तो हम लोग ये वाला यूज़ करते हैं। तो सिंपली आप इसको कॉपी कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको और आ जाता हूँ अपने सक्सेस पे यहाँ पे। ठीक है, अब सक्सेस पे भी डेटा
डेटा जो उधर से आ रहा है वो भी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्वलेट को ओपन करता हूँ तो आप देख पाओगे, अगर मैं सर्वलेट को ओपन करता हूँ तो मैं यहाँ पे ऐड पोस्ट सर्वलेट, तो सर्वलेट को अगर मैं ओपन करूँ तो अगर सक्सेस हो रहा था तो मैं यहाँ से डन रेस्पॉन्स भेज रहा था, देखो ठीक है। ये देखिए अगर सक्सेस हो रहा था तो मैं यहाँ आउट डॉट प्रिंट एलन में डन भेज रहा था, और ये सब चीज़ मैं कमेंट कर दूंगा जो बाकी चीज़ मैं प्रिंट कर रहा था। एक तो ये टाइटल प्रिंट कर रहा था, दैट्स इट, और भी मैं कहीं से कुछ प्रिंट कर रहा था, ये फाइल नेम प्रिंट कर रहा, इसको प्रिंट कर दूंगा। तो सिंपली इसका मतलब अगर अगर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा आपका तो यहाँ पे आएगा डन, ठीक है। तो मैं यहाँ जावास्क्रिप्ट में चेक कर लूंगा, इफ अगर जो डेटा डॉट ट्रिम, डेटा को पहले ट्रिम कर लूंगा, ट्रिम मतलब वाइट स्पेसेस जो आगे पीछे की होंगी वो हटा दूंगा। उसके बाद अगर ये सक्सेस या डन है, अगर ये डेटा डन है दैट मीन्स हमारा पोस्ट ऐड हो चुका, उस केस में मैं यहाँ पे एक मैसेज दूंगा, देखिएगा यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा गुड जॉब, और यहाँ पे लिख दूंगा सेव्ड सक्सेसफुली सक्सेसफुली। और ये किस टाइप का मैसेज होगा, ये सक्सेस टाइप का मैसेज होगा। एल्स के केस में, एल्स के केस में आप एरर दे सकते हो, समथिंग वेंट रॉन्ग, तो हम यहाँ लिख देंगे, देखिए फिर से गुड जॉब की जगह एरर लिख देंगे और लिख देंगे समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग वेंट रॉन्ग ट्राई अगेन, ठीक है, ट्राई अगेन, और ये एरर मैसेज हो जाएगा, एरर मैसेज। और यही चीज़ आ जाएगी कब, यहाँ पे भी अगर इन केस कोई बाकी एरर आती है उस केस में भी। अब आप यहाँ चाहते हो तो मॉडल को क्लोज भी कर सकते हो, बट क्लोज करने करना अगर आपकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही हो भाई, आप अगर करना चाहते हो तो क्लोज कर सकते हो, अदरवाइज क्या करना, इसको यहीं पे छोड़ देना, वो खुद जो यूज़र होगा खुद क्लोज कर लेगा। अब देखते हैं भाई कि हम लोग अपना फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं और फिर से ऐड करके देखते हैं कि भाई क्या चेंजेस आए, क्या मैसेज हमें प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे फिर से लॉग इन करूंगा और फिर से मैं पोस्ट को ऐड करूंगा, तो देखो मैं इस बार जावा टेक्नोलॉजी में ऐड कर रहा हूं। मैं लूंगा वॉट इज हैज मैप क्लास इन जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है, लिख देता हूं इंपॉर्टेंट क्लास फॉर हैंडलिंग की वैल्यू पेयर, की वैल्यू पेयर, और कोड कोई नहीं है तो कोड में नो लिख दूंगा या ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक फाइल चूज कर लीजिए, कोई भी फाइल चूज कर लीजिए, तो मेरे पास सिर्फ थंबनेल है जो मैं बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पे थंबनेल चूज कर लूंगा और फिर मैं पोस्ट पे क्लिक करूंगा। जैसे पोस्ट पे क्लिक करूंगा आप देख पाओगे एक बहुत ही बढ़िया सा मैसेज दिख रहा है, गुड जॉब सेव्ड सक्सेसफुली, सर्वर रिस्पॉन्स गया सर्वर पे, वहाँ सारी चीज़ें ऐड हुई, ऐड होने के बाद हमारा रिस्पॉन्स वापस आ गया, और देखिए गुड जॉब सक्सेसफुली, परफेक्ट। अब आप ओके पे क्या कर सकते हो, इस मॉडल को क्लोज भी कर सकते हो आपकी मर्जी, बट यूज़र एक बार सेव हो गया तो यूज़र क्या कर पाएगा, इसको खुद से भी क्लोज कर पाएगा, ये आपकी इंप्लीमेंटेशन है। अगर आपको मॉडल को क्लोज करना चाहते हो तो प्रोग्रामेटिकली आप मॉडल को क्लोज कर सकते हो, जैसे ही सक्सेस दोगे या ओके पे क्लिक करोगे, तो ये परफेक्ट है। अब हम एक बार डेटाबेस चेक कर लेते हैं क्या हमारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं और अपना ओपन करते हैं डेटाबेस, तो SQL योग में ओपन कर लूँगा और ओपन करने के बाद देखूंगा क्या डेटा आया है, और एक बार फोटो भी देख लूंगा क्या फोटो आई है, दैट्स इट, हमारा ये वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हमें बचेगा क्या, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपना ब्लॉग को फेच करने की कोशिश करेंगे, तो हम लोग आएंगे टेक ब्लॉग में, टेबल्स में चलेंगे और पोस्ट वाली टेबल को ओपन करेंगे, राइट क्लिक करेंगे ओपन टेबल इन अ न्यू टैब, और देख पाएंगे ये देखिए हमारा क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, व्हाट इज हैश मैप, ठीक है, इन जावा, और पिक कंटेंट भी आ गया, कोड भी आ गया, और साथ ही साथ पिक भी आ चुकी है और पिक अपलोड भी हो चुकी है। आप इसको डेस्कटॉप पे चेक भी कर सकते हो अपलोड हुई है कि नहीं हुई, तो मैं डेस्कटॉप पे एक्चुअली यूट्यूब प्रोग्राम्स वाला फोल्डर ओपन करता हूँ और फोल्डर में सिंपली जावा वेब ब्लॉग बिल्ड वेब, उसके बाद ब्लॉग पिक्स, और यहाँ पे देख पाओगे कि आपकी फोटोज भी सिंपली अपलोड हो रही है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग प्रॉपर मैसेज दे सकते हैं, और वीडियो लंबी ना हो इसलिए हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें डेटा को फेच करके दिखाएंगे और जल्दी वीडियो लाएंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कंटेंट यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।